पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड स्थित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन हो रहा है। कथा के चलते काफी रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अगर हम कथा स्थल की बात करें तो वहां पर भी काफी समस्या देखने को मिली। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया है कि यहाँ पर स्नान और शौचालय उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जानकारी के मुताबिक फायर नॉर्म्स का भी उल्लंघन किया गया है, जिसके चलते आयोजक धीरेन्द्र सिंह के खिलाफ 188 का पर्चा भी दर्ज किया गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सिक्योरिटी का इंतजाम पुलिस ने इस तरीके का रखा हुआ है जैसे कि कोई प्रधानमंत्री सीबीडी ग्राउंड में आया हुआ हो। जिले की बाकी इंतजाम छोड़कर बाबा की सिक्योरिटी में मग्न पुलिसकर्मी सीबीडी ग्राउंड के आसपास के एरिया को चारों तरफ से सील किया हुआ है। ट्रैफिक पुलिस और सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं। वाहन धड़ल्ले से ट्रैफिक का उल्लंघन किया जा रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।